नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भोपाल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मध्य प्रदेश आदिवासी महिला विभाग का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आदिवासी महिला विभाग की प्रदेश अध्यक्ष चंदा सरवटे ने बताया कि पिछले दिनों आदिवासी स्वाभिमान रैली निकाली गई थी, जो कि 18 जिले और 36 विधानसभा क्षेत्रों में होकर गुजरी थी, जिसमें कई महिलाएं जुड़ी जिन्हें कार्यक्रम में उत्कृष्ट नारी सम्मान से सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में आदिवासी भाई बहनों के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार इसकी रोकथाम के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आदिवासी स्वाभिमान यात्रा के दौरान आदिवासी भाई बहनों ने अपनी पीड़ा जाहिर की और बताया कि किस तरह से प्रदेश में भाजपा की सरकार में उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस की नारी सम्मान योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि कांग्रेस ने इसमें कोई कैटेगरी नहीं रखी है, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सभी महिलाओं को इसका लाभ दिया जाएगा। इस देश में जब देसी रियासतें थी, तब सपा ने आज हमने मध्य प्रदेश आदिवासी महिला प्रभाग जो है उसका कार्यक्रम रखा हुआ है। आदिवासी स्वाभिमान यात्रा जो हमने निकाली थी 18 जिले और 36 विधानसभाओं में, उस दौरान जो भी बहनें हमारी हमें मिली यात्रा के दौरान शामिल हुई या व्यवस्थाएं बनाई, उन सब का हम आज सम्मान कर रहे हैं। और हमारे जितने भी पदाधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, उनका सबका उत्कृष्ट नारी सम्मान इस कार्यक्रम का नाम रखा गया। नारी सम्मान टिप्स दी जा रही है, क्या कुछ है? नारी सम्मान योजना, जैसे माननीय कमलनाथ जी का कहना है कि कमलनाथ सरकार जब बनेगी तो हमारे सभी बहनों को, इसका कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा है, सभी बहनों को वो नारी सम्मान योजना से लाभान्वित करेंगे। नारी सम्मान को लेकर शिवराज सरकार काफी काम कर रही है, कांग्रेस क्या हटके करेगी नारी सम्मान के लिए, अपने कोई योजना? हटके तो यही है कि उन्होंने कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है कमलनाथ जी ने, सभी बहनों को नारी सम्मान योजना का लाभ मिलेगा। एक योजना बता दीजिए कौन सी मुख्य नारियों के लिए? नारी सम्मान योजना जिसका नाम है, 500 रुपए में हर घर में सिलेंडर दिया जाएगा, और इसके बाद किसानों का कर्जा माफ होगा, बिजली बिल भी बिजली बिल भी किसानों का माफ होगा, ये सब चीजें सारी योजनाएं जो हैं प्रदेश में लगातार पर अत्याचार हो रहे हैं, उसको लेकर भी कुछ? जी हाँ, ये जो यात्रा हमारी निकली थी 19 दिन की, इस यात्रा के दौरान जो भी हमारे आदिवासी भाई बहन जिनके साथ लगातार अन्याय जो होता रहा है, नेवावर हो गया, महू की घटना हो गई, लटेरी की घटना हो गई, सीधी की घटना, जो सीधी में जो घटना हुई वो तो बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना थी, मानवता पर ही उन्होंने इस तरह की हरकतें की थी, इसलिए हम लोगों ने इस यात्रा को निकाला था। नाम बताइए। चंद्रा सरवटे, प्रदेश अध्यक्ष हूँ महिला प्रभाग आदिवासी कांग्रेस। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।